प्रियो बेटा, आज मैंने तेरी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है। तुझे याद है बचपन में जब तू नाराज हो जाती थी और मैं तेरे लिए पनीर की सब्जी बनाती थी और तू सारी नाराजगी भूल जाती थी। मम्मा मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए। किस लिए? अभी कुछ दिन पहले तो तुझे कॉलेज की फीस के लिए पैसे दिए थे। अरे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मुझे वहाँ पे जाना है। बेटा अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉलेज की फीस के पैसे दिए दिए, घर का किराया दिया है, इतने पैसे कहाँ से लाऊं बेटा? एक सैलरी में कितना होता है? कुछ दिन रुक जाना। मम्मा यार आपका हमेशा का ऐसा ही होता है, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी आ जाए और अगले महीने पैसे लेकर क्या करूंगी मैं? मुझे ना आपकी वजह से हर बार छोटी छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरी फ्रेंड सारी कितना एंजॉय करती है, पार्टी करती है, उनके पास इतने पैसे होते हैं, मेरे पास होते नहीं है, उसकी वजह से मुझे हमेशा रेजिस्ट करना पड़ता है। ये सब आपकी वजह से मम्मा। बेटा मैं कोशिश कर रही हूँ ना, कुछ दिन तक रुक जाए, एक महीने तक रुक जा प्लीज। बस मम्मा अगर बच्चों की विशेष पूरी नहीं कर सकते तो बच्चे पैदा करते क्यों? बेटा मैं जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और मुझे फोन करते रहना प्लीज। मम्मा मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान रख सकती हूँ। एंगेज्ड? ये क्या, इसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, क्या करती है ये लड़की मुझे समझ में नहीं आता है। मैं क्या करूं, कहां से पता करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके फ्रेंड्स के नंबर भी नहीं है मेरे पास। ओहो आ गई तो कहां रह गई थी तू? मैंने कितने फोन किए तुझे, तेरा फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। मम्मा आपको बताया तो था कि फ्रेंड की पार्टी में जाने वाली हूँ, लेट हो जाऊंगी। नहीं लेट आऊंगी का क्या मतलब है, मैं फोन कर रही हूँ, फोन नहीं मिल रहा घर में, मैं माँ हूँ, टेंशन होती है। अरे यार मम्मी मुझे ना छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ। और वो खटारा फोन बंद हो चुका है, वो चलता नहीं है, वो फोन घर पे रखा है मैंने, लेके नहीं गई थी। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास इतने अच्छे फोन है, उनके सामने अपने खटारा फोन दिखाती मुझे शर्म आती है। मम्मा तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती मम्मा, जबकि मुझे पता कि आगे से क्या जवाब आने वाला है। मैं इस लाइफ से थक गई हूँ मम्मी, हर बात पे मुझे इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। काश पापा हमें छोड़ के नहीं गए होते, कम से कम मेरी लाइफ ऐसी तो नहीं होती सारी प्रॉब्लम्स के साथ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कितनी बार मुझे एम्बेरस होना पड़ा, क्योंकि पापा तो कभी थे ही नहीं, लेकिन आप भी नहीं आते थे मम्मी, आप जॉब में ही बिजी रहते थे। मैं क्या करूं बेटा, मैं नौकरी की वजह से नहीं आ पाती थी, नौकरी करना मजबूरी थी बेटा, नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुझे पूरा टाइम नहीं दे पाई, आई एम सॉरी तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ। क्या करूं बेटा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी तुम्हें नया फोन लेके देने की। बस करो मम्मी, आप हमेशा बहाने मारते, मुझे बताया आपसे कुछ नहीं होता, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, अपने कमरे जा रही हूँ मैं। बेटा हेलो हेलो रूपलाल जी, मैं नीना बोल रही हूँ SPP सोसाइटी से। मैं कल आपकी शॉप पे आई थी ना, एक चेन दिखाई थी आपको, उसका सही से क्या रेट लगा रहे हैं आप? अरे मैडम जी वो चेन तो काफ़ी पुरानी है, मैं 20 या 25 हज़ार ही दे पाऊँगा उसके। रूपलाल जी सोना कब पुराना होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई, उसका सही रेट लगाइए। एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आप पड़ी है, इसलिए मुझे वो बेचनी पड़ रही है। अरे मैडम जी अगर आपको पैसों की इतनी ज़रूरत है तो किसी और तरीके से भी तो पूरा की जा सकती है। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे नीना जी आप भी ना बहुत भोली है, हमेशा से मैं आपको देखता आया हूँ, आप अकेले अपने घर का भार उठा रही हैं, आपका भी तो मन करता होगा ना कि आपको किसी का सहारा मिले। और मैं हूँ ना। क्या कहा रूपलाल जी आपने? क्या कहा दोबारा बोलो जरा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, कुछ भी जो अनाप शनाप मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। नहीं ना, अरे सुनिए तो,
आइंदा मेरे से ऐसी बात की ना तो याद रखना पुलिस ज्यादा दूर नहीं है। अरे शट अप नीना जी, आप तो बुरा ही मान गई। शट अप, बदतमीज कहीं का, क्या समझ रखा है इन्होंने? मैं किसी और जूलर के पास चली जाऊंगी, कोई जूलर खत्म हो गए हैं क्या? जो उसे चाहिए था वो तो नहीं मिला, पर मुझे उम्मीद है उसे ये भी बहुत पसंद आएगा। मेरी बेटी है, पसंद कैसे नहीं करेगी। मम्मा। हाँ जी बेटा। आप मेरे लिए नया फोन लेकर आए? हाँ बेटा, तू इतना परेशान था उस दिन, मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। वाह मम्मा, तुम्हारी खुशी बेटा सब कुछ है। सच में मम्मा, मेरे लिए फोन लेकर आए। मेरी तो बेटा, थैंक यू सो मच मम्मा, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। थैंक यू। देखो तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, तुम्हारी स्माइल देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। थैंक यू मम्मा, बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश रहो। मैं दोस्तों के साथ फ्लॉन्ट करूंगी अपना फोन। ये एंजॉय एंजॉय। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। या श्योर बेटा। ओह माय गॉड। ले बेटा चाय पी ले। थैंक यू। मम्मा। हाँ जी। आपका गला कितना सूना लग रहा है, आपकी चेन कहाँ पे है जो हमेशा पहनते हो? अरे बेटा टूट गई थी, अंदर रखी है। कोई बात ही ना, जूलर के पास चलते हैं। ऐसे मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देख के, आपकी इतनी सूनी लग रही है ना। कोई बात नहीं बेटा, कल करवा लाऊंगी ठीक। मैं ऑफिस से आते हुए करवा लाऊंगी ठीक, तू टेंशन मत ले। चेन है नया आप? हाँ तो चेन कहाँ जाएगी, चेन यही है। तो लेकर आइए ना आप, चलते हैं हम। बेटा अब नहीं, कल जाएंगे, आज थक गई हूँ, कल ड्यूटी से आते हुए मैं करवा लूंगी पक्का। मैं खुद लेकर आती हूँ ना, आप ऐसे। अरे रुकना बेटा, कहाँ है चेन? चेन नहीं है बेटा। जियो क्यों जिद कर रही है बेटा? तो मैं बोल रही हूँ ना, चेन लेकर आओ मम्मा। कहाँ रखी है आपने? तो मुझे अगर यहाँ पे है तो दिखाओ मुझे। चेन मैंने बेच दी, तुझे फोन जरूरत थी बेटा, फोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बेच दी मैंने चेन। चेन किस काम आ रही थी बेटा, गले में ऐसी तो पड़ी थी। तू कहीं आती है जाती है, मेरे को चिंता होती है, तेरी फिक्र होती है, तो मेरे से कैसे बात करेगी बता मेरे को। मम्मा आपने मेरे फोन के लिए अपनी चेन बेच दी, कोई आपके पास मम्मा कुछ गोल्ड के लिए, कुछ गोल्ड का आपके पास कुछ और था भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गोल्ड तेरी खुशी से बढ़कर नहीं है, तेरी जरूरत से बढ़कर नहीं है। और गोल्ड होता किस लिए है? इसीलिए होता है बेटा, टेंशन मत ले। मम्मा मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ना बेटा बुरा मत मान। मम्मा आप मुझे डांटना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों किया? आपको मेरी जिद नहीं माननी चाहिए थी मम्मा। आई लव यू बेटा, आई लव यू। और तेरी जरूरत थी इसीलिए। चैन का क्या, जब तू कल को नौकरी लगेगी काम करेगी तो मेरे को लेके नहीं देगी? दूंगी मम्मा, बहुत अच्छी दूंगी। देगी ना, फिर क्यों रोना, चल। थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। खुश है मेरा बच्चा।